पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे, जिन्होंने जेडीयू को त्याग पत्र सौंप दिया था, वो अब राजद में शामिल हो चुके हैं, राजद की सदस्यता ले चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है कि चुनाव के बाद अब जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह राजद में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि अजीत सिंह राजद में शामिल हुए हैं और करीब एक माह पहले जेडीयू से त्याग पत्र दे चुके थे। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय महासचिव बीनू यादव भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बक्सर से सांसद निर्वाचित होने के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के उपचुनाव में अजीत सिंह के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। बता दें, रामगढ़ से विधायक रहते हुए जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह ने बक्सर संसदीय क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार बनाए गए थे। सुधाकर सिंह के सांसद निर्वाचित होने के बाद रामगढ़ विधानसभा सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा, इसको लेकर ही राजद ने अपनी रणनीति तय की है। हालांकि अजीत सिंह ने कहा है कि रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी जो भी फैसला लेगी उन्हें मान्य होगा। अजीत सिंह ने कहा है कि संविधान विरोधी सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए जेडीयू को छोड़ा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया था और आगे भी करते रहेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के दोनों बेटे अब राजद में सेट हो गए हैं। सुधाकर सिंह बेटे पहले से आरजेडी में थे और अब छोटे बेटे अजीत सिंह ने भी आरजेडी का दामन थाम लिया है। 12 अप्रैल 2022 को अजीत सिंह ने जेडीयू की सदस्यता ली थी और अब करीब दो साल के बाद जेडीयू छोड़ राजद में शामिल हो गए हैं। अब पिता जगदानंद और दोनों बेटे सुधाकर सिंह और अजीत सिंह समेत पूरा कुनबा आरजेडी में शामिल है। तो आपको बता दें, अजीत सिंह राजद में शामिल हुए हैं। रामगढ़ की सीट पर जो चुनाव होने वाला है, उस वो चुनाव भी अजीत सिंह लड़ सकते हैं। जेडीयू छोड़ने की वजह भी बताते नजर आए हैं साफ, उन्हें संविधान विरोधी बता दिया है, कह दिया है ऐसी शक्तियां जो संविधान विरोधी हैं उनके साथ वो नहीं रहना चाहते थे। यही वजह रही कि करीब एक माह पूर्व उन्होंने जेडीयू को त्याग पत्र सौंप दिया था। और जेडीयू को त्याग पत्र सौंपने के दौरान जिस वक्त तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही थी, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के लिए वो चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए थे। इस बात की चर्चा तेज है कि वो रामगढ़ सीट से जो उपचुनाव है वो लड़ सकते हैं। हालांकि इस पर भी अजीत सिंह ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी जो भी फैसला लेगी उन्हें मान्य होगा। तो अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के दोनों बेटे, यानी कि बड़े बेटे सुधाकर सिंह और छोटे बेटे अजीत सिंह समेत पूरा परिवार अब राजद में शामिल हो गया है। रामगढ़ सीट को लेकर राजद क्या फैसला लेती है, क्या अजीत सिंह उपचुनाव लड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के ठीक बाद एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।